हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, लाइक माय चैनल, नॉट हिज चैनल। तो आज सार्थक का है ड्राइविंग टेस्ट। पहले एक बार फेल हो चुका है तो उम्मीद है इस बार पास हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट मुझे एक ड्राइवर तो मिल ही जाएगा, उसके बाद अगर उसका लाइसेंस आ जाएगा तो। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गोल्फ। तो लोग टोक देते हैं फिर, गोल्फ नहीं है जी, गोल्फ है। तो गोल्फ जा रहे हैं। तो अभी देखो पास होता है लड़का कि नहीं होता। भाई हो जाइए सर पास प्लीज। बहुत झूल है मुझे कि मैंने तब से गाड़ी नहीं चलाई है, तो आई वांट टू पास दिस वन। एक्चुअली इससे पहले वाला इट वाज अ हायर लेवल ऑफ ड्राइविंग टेस्ट, जो आशीष टोपाल भी फेल कर चुका है। ये मेरे पे बस पिन करना चाह रहा है, तो इसलिए तो वो फेल हुआ था ड्यू टू अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक, बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल लेट्स सी, पास होने की उम्मीद है। हाँ है, G2 इज इजी कंपैरेटिवली। जिन्होंने दिया है G2, उनको पता है इट्स वेरी इजी। सो देख रहे हो दोनों आज स्टीयरिंग पे ओबेइंग द रूल्स। डिसअपॉइंटमेंट, यू आर सच अ डिसअपॉइंटमेंट ब्रो, सच एन डिसअपॉइंटमेंट। एंड ठीक है, इंग्लिश नाथ जी आएंगे तेरा चैनल बंद करवाएंगे। देखो अभी हमारे लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे कि रेस्ट इन पीस इंग्लिश, मैंने बोला फिर तू ना कब आया रेस्ट इन पीस इंग्लिश, मतलब उसने बोला था कि तेरे गुनगार जिंदा है इंग्लिश की, और वो कुछ ऐसा कुछ कहा था कई कमेंट वाले ने। तो जस्ट फॉर हिम आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि हम इंग्लिश ऐसे ही बोलनी पड़ेगी। ड्राइवर नया देखना पड़ता है, कहीं ठोक ठाक दे तो गाड़ी तो अपनी है लग जाएगी भैया। MSB, व्हाट इज MSB? मिरर सिग्नल एंड ब्लाइंड स्पॉट्स, कीप चेकिंग इट, वरना जी टू पास नहीं होने के तुम। नहीं जी, ये उन बच्चों में से है जो एग्जाम के शुरू होने से 5 दिन पहले तक पढ़ते हैं, वो है ये लड़का। ऐसे लोगों से हमें नफरत थी और अभी भी है, तो कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। तो देख रहो स्मूथली दूसरी लेन में आए, आराम से गाड़ी चलाए। चल चल चल, ध्यान से गाड़ी चला। सॉरी फेल हो गया ये। यार मुझे बहुत हंसी आ रही। ओ भाई कैसा लग रहा है आपको दूसरा फेल हो गया, सेकंड टाइम, पहले जी में फेल हुआ फिर G2 में, ये दिस इज सो फनी। अबे भाई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका दोबारा फेल होने के बाद सार्थक के साथ, कृपया बताएंगे दर्शकों को। इट वॉज सो ह्यूमिलिएटिंग कि वो 3 चीजें करवाते हैं हमसे, वो उसके लिए भी नहीं लेके गई मेरे को वापस ले। गाइस ये ऐसे फेल हुआ है ना, मतलब बिल्कुल जैसे ऐसे नहीं कहते कि रगड़ के मारा है, वैसे फेल हुआ है आदमी। इसने नाक कटा रखी भैया कैनेडा में आके हमारी। डिसअपॉइंटमेंट सार्थक आचार्य, डिसअपॉइंटमेंट यू आर एंड डिसअपॉइंटमेंट तेरे को। ओह शिट, वेल कोई नहीं, अब हम जाते हैं थोड़ा घूमने, फन तो करेंगे ही, कोई नहीं फेल हो गया था लड़का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी लड़का फेल ही तो हुआ है भाई, फेल ही तो हुआ है तू, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं कोई। चलो चलो, सो वी आर हियर एट स्टोन रोड मॉल। सार्थक पास हो गया तू, संतुले। तो सार्थक के फेल होने की दुखी की खुशी में मैंने सोचा शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत ही मजा आया। और अगर मैं पास हो जाता तो? नहीं, शॉपिंग तब भी करते, बट अभी सिर्फ ऐसा हुआ है कि अभी पे मैंने किया है अपने लिए। अच्छा, तो अगर ये पास होता तो मेरे लिए भी ये पे करता, बट चलो कोई नहीं। इधर यार, डिसअपॉइंटमेंट यू आर। मैं आज ये बात बोल बोल के थक गया कि ये डिसअपॉइंटमेंट है। कितनी बड़ी शक्ल दिखा अपने, तो शक्ल दिखा, खुश मत हो, यू हैव बीन पीस ऑफ शिट ऑल डे। तो हम जा रहे हैं जिम, खाते हैं पहले कुछ। सार्थक ऐसा आपको पता ही है ये फेल हो गया है, तो हम खाने जाएंगे अब इस खुशी में, दुख में। तो चलो ये, तो अपन कर रहे हैं पहले डिक्लाइन प्रेस मशीन, क्योंकि आज टांग में लगे चोट थोड़ा अवॉइड करेंगे, जहाँ पे लेट ना घुटने में दर्द हो। तो पहले फेस कर रहे हैं डिक्लाइन मशीन प्रेस, देयर वी गो।
बेसिकली आज हम कर रहे हैं पुश वर्कआउट, सो दिस इज आवर सेकंड एक्सरसाइज व्हिच इज शोल्डर मशीन प्रेस। अपन कर रहे हैं अब एक्सरसाइज नंबर 3 व्हिच इज इंक्लाइन बेंच प्रेस, लेट्स गो। तो हम कर रहे हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज व्हिच इज केबल फ्लाइज। For our fifth exercise, shoulder side laterals, or sorry, dumbbell side laterals. So for our sixth and final exercise, triceps push down. गाइस हो गया है वर्कआउट खत्म, अब अपन जा रहे हैं घर क्योंकि प्रोटीन तो सारा तक लाया नहीं। इतना मारूंगा ना रैप्टे रैप्टे, देखा गाइस कितना इंसान आदमी, चामटिन मारूंगा। इसने मैंने से बोला प्रोटीन रख ले, अच्छा अच्छा अच्छा, बोला कि नहीं आधा घंटा होता है कि 10 मिनट पी लेंगे। दैट्स व्हाट यू सेड यू पीस ऑफ शिट। तो फिर अपन जा रहे हैं घर, सारा तक जाएगा मूवी देखने शायद, और मैं थोड़ा रहूंगा काम, क्योंकि अपन तो कामकाजी आदमी भैया। हां सही बात है, कामकाजी आदमी करेंगे काम। ओ शिट, तब तक आप हाँ टेस्ला ट्रक बोलिए। अपन आए हैं फ्रेश को थोड़ा सामान लेने, अपन भूल गए मास्क ले जाना, ये मास्क कब छूटेगा भैया। चलो मास्क मिल गया है, घूमता रहा कुछ खरीदेगा भी? खरीद नहीं रहा ना, अभी उठाना है, खरीदेंगे उसके बाद। बहुत बढ़िया जोक मार दिया ना, जोक नहीं था, नहीं बहुत बड़ी जोक मार दिया उन्होंने। चावल 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 इंडिया लाल किला वीर का वर्कआउट करने का बड़ा चक्कर है, खाना बहुत खरीदना पड़ता है और खाना ही पड़ता है क्यों साठ तक। हाँ जी फिर पानी पूरी खा ले, बॉडी बनेगी इससे। पेड़ पूरी खाता है लड़का कि बॉडी बनती है। एक और देना मैं खा से दूँ, मैं तो रख सकता हूँ वहाँ पे हुए ऐसे मेरे हाथ से, इससे बात से बॉडी बनती है। खाते से मुझे गाई जी मुझे बहुत पसंद है बट मैं खा नहीं सकता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है हर शॉपिंग करने की इस स्टोर्स में कि ये मिल जाता है, मतलब मैं आना नहीं चाह रहा था बट पता नहीं मेरा मास्क गीला क्यों रहा था। अंदर चल कैसा लग रहा है आपको? चलो कोई नहीं, ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस व्लॉग हियर। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिए फेल कैसे हो गया सबसे इजी एग्जाम संसार का। जो भी कनाडा में रहता है अगर वो एक व्लॉग देख रहा है तो प्लीज इसको बोलें कि वो इजी एग्जाम था और ये फेल हो गया। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। कनाडा के लोग तेरे व्लॉग नहीं देखते आज तो पर दैट्स सैड।